तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो बचे भी नहीं हुए। आप लोग आइएगा पेज नंबर 9.7 पर, प्लीज कम टू पेज नंबर 9.7, पेज नंबर 9.7। तो हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। पेज नंबर 9.7 हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 9.7। हाँ, लेकिन टोटल 50 है। ओके, TQM लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग ऑन 30th June 2008। आप देखिएगा, एक है ओरिजिनल बजट और दूसरा क्या है, एक्चुअल। यू समझ लीजिए, एक बजटेड डिटेल्स है और दूसरा एक्चुअल डिटेल्स है। यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड एज पर बजट कितने लिखी है, 80,000, और एक्चुअल कितने लिखी है, 72,000। सेल्स गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल के ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 kg एट रेट ऑफ ₹1 per kg। इसका क्या मतलब हुआ कि आउटपुट की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल 1 kg ही लगना चाहिए, जो कि ₹1 के रेट पर खरीदा जाना चाहिए। यही इसका मतलब है। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ शोड दैट 78,400 kg ऑफ मटेरियल वर यूज्ड एंड 70,400 लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड। रिक्वायर्ड नंबर 1, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर द मंथ शोइंग बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड कंपेयर विद एक्चुअल रिजल्ट्स। नंबर 2, कैलकुलेट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरियंसेस। ओके, नंबर 1, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुरू करी जाए और हेडिंग डालेगा। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट हेडिंग डालेगा स्टेटमेंट शोइंग। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग बजटेड कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टेटमेंट शोइंग बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड इट्स कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट। तो आपने करना क्या है, सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का या टाइप ऑफ कॉस्ट का, उसके बाद बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। और नेक्स्ट एक्चुअल कॉस्ट। हाँ जी, सबसे पहले टाइप ऑफ कॉस्ट, उसके बाद क्या है बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और लास्ट में क्या है एक्चुअल कॉस्ट। टाइप ऑफ कॉस्ट में पहली कॉस्ट लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल्स,
टाइप ऑफ कॉस्ट में आपने पहली कॉस्ट लिखी है डायरेक्ट मटेरियल्स। एक्चुअल रिजल्ट देखकर बताइएगा कि एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी लिखी हुई है। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में लिखी है 73,600। आपने लिखा एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 73,600। अब ये बताइएगा कि एक्चुअल में आउटपुट कितना बनकर आया है। 72,000 यूनिट्स। क्या ये इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? हां जी। अगर आपको 72,000 यूनिट ही बनानी थी तो आपको कितना खर्चा करना चाहिए था? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखिए। एक यूनिट को बनाने में 1 किलोग्राम लगना चाहिए था, 1 किलोग्राम 1 रुपए के रेट पे खरीदा जाना चाहिए था, या यूं कहें 1 यूनिट को बनाने में 1 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब 72,000 यूनिट को बनाने में 1 रुपए के हिसाब से सोचे तो 72,000 रुपए का ही खर्चा होना चाहिए था। सेवेंटी टू थाउजेंड क्या है? कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इनकर्ड, कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्चुअल आउटपुट। 73,600 कॉस्ट विच इज एक्चुअली इनकर्ड, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस के नाम पर पढ़ाया जाता है। क्या जी बात सही? दूसरी कॉस्ट का नाम बताइए। डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस। ओके, दूसरी कॉस्ट का नाम आपने बताया डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मुझे पहले एक्चुअल कॉस्ट बताइए। 104,800 रुपए। चलिए माना आपका इतना खर्चा हो गया, और इतना खर्चा करके यूनिट आपने बनाई 72,000। आइए वेजेस की डिटेल्स को पढ़ें। अच्छा, वो चला लो, चला। डायरेक्ट वेजेस की डिटेल्स को पढ़ें। एक यूनिट को बनाने में 1 घंटे का टाइम लगना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है ना। 1 घंटे का वेज रेट 1.5 रुपए होना चाहिए था, इसका मतलब 1 यूनिट को बनाने का खर्चा 1.5 रुपए होना चाहिए था। ये सब क्वेश्चन में लिखा है। कितना खर्चा होना चाहिए था? 1,08,000। 1,08,000। क्या जी बात सही? 1,08,000। चला लीजिए। ओके, खर्चा हुआ 104,800 है, वो दूसरी बात है। मैं वही तो कह रहा हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस ही तो हम लोग पढ़ने के लिए बैठे। अब क्या लिखा जाए? वेरिएबल ओवरहेड्स। चलिए वेरिएबल ओवरहेड्स का मुझे पहले एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताइए। 37,600। ओके, 37,600 यूनिट्स बनी है 72,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बताइए, और बताइए पर यूनिट एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था? 50 पैसे। थर्टी सिक्स थाउजेंड
ओके, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल अमाउंट बताइए 39,200, एक्चुअल आउटपुट 72,000 यूनिट्स और पर यूनिट एक्सपेंडिचर 50 पैसे पर यूनिट कितना हो गया 36,000। ओके, पहले वाले अमाउंट का टोटल बताइए, टू लैख 52,000 एंड दिस वन 2,59,000 55,200। जो एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया है उसे बनाने में कॉस्ट होना चाहिए था 2,52,000, कॉस्ट हुआ है 2,55,200। क्या क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को हम डील कर चुके हैं? क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप फिर से पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट बनाएं जिसमें आप दो बातें बताएं, एक बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरी बात आप क्या बताएं, एक्चुअल कॉस्ट, ताकि दोनों को कंपेयर करके हम बाद में वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सके। आइए क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, जितने भी वेरिएंसेस आप जानते हैं सारी कैलकुलेट करो। तो आइए हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। ओके, ये जो चार कॉलम्स आपने बनाए हैं, हम एक काम करते हैं जो सेकंड कॉलम है उसको अभी से हम जीरो लिख लें। सेकंड कॉलम को आप लोग जीरो लिख लें। क्वेश्चन को पढ़कर बताइए एस पर बजट आपको किस प्राइस पर रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए था, रुपी वन पर केजी। ओके, रुपी वन पर केजी। आप जानना चाहेंगे कि आपने किस प्राइस पर मटेरियल खरीदा है? छोड़ो छोड़ो, उसकी क्या जरूरत है। एक काम करो, क्या मुझे एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन बता सकते हैं? हाँ, ये 73,600 क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ही तो है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट यानी एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन, तो डायरेक्टली सीधा लिखिए 73,600 है कि नहीं? ओके, अब मैं क्या जानना चाहता हूं, एक्चुअल में कितना इनपुट कंज्यूम किया गया है? कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 78,400 किलोग्राम्स। ठीक है, चलिए M4 M3 की सिचुएशन समझ में आ गई। अब है M1 में क्या है? SQAO,
जो एक्चुअल आउटपुट बना है वो कितने इनपुट में बन जाना चाहिए था। एक्चुअल आउटपुट कितना बना है? 72,000 यूनिट्स। और हम जानते हैं एक यूनिट को बनाने में इनपुट भी 1 किलो ही कंज्यूम होना चाहिए था। तो 72,000 यूनिट को बनाने में इनपुट भी 72,000 किलो ही कंज्यूम होना चाहिए था। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी M1 माइनस M4। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस विल बी M3 माइनस M4। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस विल बी M1 माइनस M3। सो दिस इज इट। मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैटर को आगे बढ़ाया जाए। जैसे ये मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस हैं, वैसे ही लेबर कॉस्ट वेरियंसेस भी कैलकुलेट करे जाएं। हेडिंग डालिएगा कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। क्या क्वेश्चन में आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन है? नहीं है तो फिर आपको 4 कॉलम्स बनाने। हाँ जी, आप ये 4 कॉलम्स पहले बना ले और जो सेकंड कॉलम है उसको तो आप नहीं लिख दे। बट सेकंड कॉलम को आपने लिख लिया। अब आप मुझे बताइएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि एज पर स्टैंडर्ड वर्कर को किस रेट पर पेमेंट करी जानी चाहिए थी? 1.5। ओके, एज पर स्टैंडर्ड वर्कर को पेमेंट होनी चाहिए थी 1.5 पर आवर के बेसिस पर। अब आपको बताना है एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स। दूसरे शब्दों में आपको बताना है एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट का अमाउंट आप यहां से पिक कर लीजिए 1,04,800। लेकिन L3 के लिए आपको एक्चुअल आवर्स बताने होंगे। एक्चुअल आवर्स कहां लिखे हुए हैं? हां, लिखे हुए हैं 70,400। नाउ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 72,000 यूनिट्स।
फिर आप ये भी बताइए कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था. 1 आवर. तो टोटल टाइम लगना चाहिए था 72,000 आवर्स. 72,000 आवर्स ये आप L1 में रिकॉर्ड करें. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस दिस विल बी L1 माइनस L4. डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस दिस विल बी L3 माइनस L4. डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिस विल बी L1 माइनस L3. वेरिएंसेस तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे. अब ये सारी कैलकुलेशंस बड़ी क्लैरिकल हो गई हैं. वही कैलकुलेशन हम बार बार करे जा रहे हैं, इसमें से उसे माइनस कर देते हैं बस. लेकिन जब भी चैप्टर जो है कंप्लीट होने वाला होता है तो ऐसा होता ही है, मतलब आखिरी मौके पे चैप्टर को बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. पर क्या है कि जितने उसके क्वेश्चंस हैं वो तो हमने कर रही है ना असल. खैर चलिए, लेबर वेरिएंसेस हो गए. अब आप अगली हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस. कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस. ओके, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में हमें कॉलम्स बनाने होंगे 3. पहला कॉलम कौन सा होता है? आउटपुट एब्जॉर्ब्ड वेरिएबल ओवरहेड्स. दिस इज VO1. सेकेंड कॉलम, इनपुट एब्जॉर्ब्ड वेरिएबल ओवरहेड्स. दिस इज VO2. लास्ट में है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स. दिस इज VO3. VO1, VO2 एंड VO3. आप मुझे इन तीनों में से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बताएं. ये रहा 37,600. ओके, 37,600. हां जी, VO1 का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट. एक्चुअल आउटपुट कहां है? 72,000 यूनिट्स और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट. ओके, 50 पैसे पर यूनिट. सो दिस इज रुपीज 36,000. ये 36,000 आप VO1 में लिखना चाहेंगे. देन वी कम टू VO2, यानी इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. फार्मूला क्या है? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर.
बताइएगा एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में कितना लिखा है, 70,400. बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो क्वेश्चन में गिवन है उसके ब्रेकअप में लिखा हुआ है एक यूनिट को बनाने में एक घंटे का टाइम लगना चाहिए था और एक घंटे का ओवरहेड का रेट है 50 पैसे. तो ये कितना अमाउंट हो गया, 35,200. इसको आप लिखिएगा VO2 में. ओके, आपने लिखा VO2 में 35,200. सबसे बड़ा वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसका फार्मूला है VO1 माइनस VO3. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो गया VO1 माइनस VO3. अच्छा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला क्या हो गया, VO2 माइनस VO3. और लास्ट में एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला हो गया VO1 माइनस VO2. एक्सपेंडिचर वेरिएंस विल बी VO2 माइनस VO3 एंड एफिशिएंसी वेरिएंस विल बी VO1 माइनस VO2. ओके, पॉइंट वैलिड. ओके, हो गए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. अब क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट, आप उसके लिए हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस. कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए आपको चार कॉलम्स बनाने होंगे. तो सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा, आउटपुट एब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स. इसको हम क्या नाम देंगे, FO1. सेकेंड वन इज इनपुट एब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स. ओके, दिस इज FO2. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, दिस इज FO3. और लास्ट में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, दिस इज FO4. हां जी, इन चारों में से जो अमाउंट क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन है बता दीजिए. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो आप यहां से पता करिए, 39,200. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में कहीं लिखे होंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में कहीं लिखे हैं रुपीज 40,000, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए. अब क्या कैलकुलेट करें, FO1. ओके, दिस विल बी एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट. एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट. एक्चुअल आउटपुट कितना है, 72,000 यूनिट्स.
अच्छा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट बताइएगा, 50 पैसे, थर्टी, ये हो गया एफ ओ वन, थर्टी सिक्स, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 70,400 आवर्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर 50 पैसे, सो दिस इज 35,200, 35,200 ओके okay, मैं ये उम्मीद करता हूं आप वेरियंसेस कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम आगे बढ़े, वेरियंसेस तो कैलकुलेट हो जाएंगे ना, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस जाने एफओ वन माइनस एफओ फोर, एक्सपेंडिचर वेरियंस का फॉर्मूला एफओ थ्री माइनस एफओ फोर, वॉल्यूम वेरियंस का फॉर्मूला FO1 माइनस FO3, एफिशिएंसी वेरिएंस FO1 माइनस FO2, कैपेसिटी वेरिएंस FO2 माइनस FO3, आउटपुट एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब आपने 72,000 यूनिट बनाई है ना, अरे इतनी ही यूनिट बनानी थी तो कितना खर्चा होना चाहिए था, इनपुट एब्जॉर्ब्ड आपने इनपुट कितना लगाया है 70,400 आवर्स, अरे इतना ही इनपुट लगाना था तो कितना खर्चा होना चाहिए था, हर एक का अपना अपना मतलब होता है, तो मैं ये उम्मीद करूं वेरिएंसेस आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम मैटर को आगे बढ़ाएं। अच्छा जब हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस शुरू करे थे तो हमने वो पढ़ा था ना केस वन, केस वन क्या था, विदाउट आइडल टाइम, अब मैं केस टू की तरफ आना चाहूंगा, अब आप हेडिंग डालेंगे केस टू, केस टू से मेरा मतलब है फिक्स्ड ओवरहेड्स का केस टू, ठीक है ना, और केस टू के ब्रैकेट में लिखेगा, केस टू के ब्रैकेट्स में लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस अलोंग विद कैलेंडर वेरिएंस, अलोंग विद कैलेंडर वेरिएंस। अच्छा आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में डेज की इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब कैलेंडर वेरिएंस है, आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के अच्छे खासे क्वेश्चन कर चुके, पांच छह क्वेश्चन तो आपने कर लिए, क्या किसी क्वेश्चन में ये कभी आपको लिखा हुआ मिला कि इतने दिन काम होना चाहिए था, इतने दिन काम हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए उन क्वेश्चन में आपने कैलेंडर वेरियंस कैलकुलेट करा ही नहीं, पर अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें डेज की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। खैर आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे पांच, आउटपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एफओ वन,
इनपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स एफओ2, तो पहले दो कॉलम से मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। तीसरा कॉलम है पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, दिस इज एफओ3। चौथा कॉलम है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओके दिस इज एफओ4। और लास्ट कॉलम एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, दिस इज एफओ5। So FO1, FO2, FO3, FO4 and FO5। देखिए अगर मैं FO1 में से FO5 माइनस करता, FO1 में से FO5, तो जो भी आंसर आएगा वो है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। अगर हम FO4 में से FO5 माइनस करते हैं, यह है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, एक्सपेंडिचर वेरियंस। FO1 माइनस FO4, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। क्या अभी तक हमने किसी फार्मूले में कोई चेंज करा है? मतलब फार्मूले अभी तक वही चल रहे हैं ना। अगर मैं FO1 में से FO3 FO2 माइनस करता हूं तो उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर हम FO2 में से FO3 माइनस करेंगे वो है कैपेसिटी वेरिएंस। अगर हम FO3 में से FO4 माइनस करेंगे वो है कैलेंडर वेरिएंस। हमने क्या क्या पढ़ना है, अब क्या क्या समझना है? अब एक, ये पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड का कंसेप्ट क्या है, और दो, कैलेंडर वेरिएंस का कंसेप्ट क्या है। दो ही बातें हमने समझनी है, बाकी तो सारे वेरिएंसेस हम लोग समझ चुके हैं। हां जी, पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखिएगा। पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखिएगा। पॉसिबल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। यानी पॉसिबली आप कितना आउटपुट बना सकते थे और एक यूनिट को बनाने का कितना खर्चा होना चाहिए था, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला लिखेगा, पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, आप ये कह सकते हो कि जी ये तो ठीक है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर है, पर ये कैसे कैलकुलेट होगा पॉसिबल आउटपुट और पॉसिबल आवर्स? आइए इसके बारे में भी बात कर लेते। पॉसिबल आउटपुट को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है और वो है एक्चुअल डेज मल्टीप्लाइड विथ बजटेड आउटपुट पर डे।
budgeted hours per day. ओके फॉर्मूला ठीक है ना. आपने इतने दिन काम किया, अरे इतने ही दिन काम करना था तो इतने दिनों में आपको कितने घंटे काम कर लेना चाहिए था. ओके आप आइएगा पेज नंबर 9.6 पर और पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 9.6. क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं? अच्छा ये क्वेश्चन हमने पहले आधा कर लिया था. हमने इस क्वेश्चन को वेरिएबल ओवरहेड्स के कंटेक्स्ट में कर लिया था, पर अभी फिक्स्ड ओवरहेड के कंटेक्स्ट में तो नहीं करा ना. तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 का बाकी बचा आधा आंसर दे और हेडिंग डाले कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है. हां अब आप मुझे बताइएगा इन पांचों में से क्वेश्चन में जो अमाउंट स्ट्रेट अवे गिवन है सो बताइए. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बताइए रुपीस 45,000. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बताइए. रुपीज 50,000. तो जैसा कि आप चाहते थे सारे वेरिएंसेस के मतलब डिस्कस करने हैं तो फिर बजटेड डिटेल्स एक्चुअल डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी मतलब समझ में आते हैं. अगर खाली आंसर देने हैं फिर तो मैं इसका आंसर फटाफट दे दूंगा, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन समझने हैं तो फिर तो सारी बातें डिस्कस करनी है. बजटेड डिटेल्स नंबर 1 ओवरहेड्स रुपीस 45,000. तो एस पर बजट 45,000 रुपए खर्च होने चाहिए थे. आउटपुट बताएंगे 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट. टाइम बताएंगे थर्टी थाउजेंड आवर्स. फिर आप मुझे बताइए इस हिसाब से एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था. 1 आवर पर यूनिट. नंबर 4 ओवरहेड पर यूनिट. 45,000 खर्च होना चाहिए था, 30,000 यूनिट बननी चाहिए थी, एक यूनिट का खर्चा 1.5 रुपए होना चाहिए था. तीस हजार घंटे काम होना चाहिए था, एक घंटे का खर्चा 1.5 रुपए होना चाहिए था. ठीक है ये हो गई बजटेड डिटेल्स. अब आप लिखिएगा एक्चुअल डिटेल्स. नंबर 1 पहले ओवरहेड्स का अमाउंट बताया जाए. एक्चुअल में है रुपीस 50,000. नंबर 2 एक्चुअल में आउटपुट कितना बनकर आया है 32,500 यूनिट्स.
एक्चुअल में कितना टाइम काम किया गया है, 33,000 आवर्स। एक्चुअल में आप मुझे ओवरहेड पर यूनिट का अमाउंट बताएं, 1.54। एक्चुअल में आप मुझे ओवरहेड पर आवर का अमाउंट भी बताएं, 1.52। पर आवर, ये हमने बजट और एक्चुअल डिटेल लिखी है क्योंकि बाद में एक्सप्लेनेशंस देने में ये काफी काम आती है। हां जी, तो पहली कैलकुलेशन कौन सी होनी चाहिए? अब FO1, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट की इंफॉर्मेशन आप एक्चुअल डिटेल्स में से पिक करिए, ये रही 32,500 यूनिट। ठीक है ना, 32,500 यूनिट। एज पर बजट एक्सपेंडिचर एक यूनिट का कितना होना चाहिए था, ये रहा 1.5 पर यूनिट। कितना हो गया, 48750। 48750, ओके। क्या FO1 को दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताया जाए? ओके, आप कह रहे हैं हां बताया जाए, तो लिखिएगा दूसरा फॉर्मूला, SHAO मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। आखिरकार बाद में एक्सप्लेनेशन देने हैं ना, तो सारे फॉर्मूलों से कैलकुलेट होगा तभी तो एक्सप्लेनेशन हम दे पाएंगे। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल में आउटपुट बना है 32,500 यूनिट। माना ये बना है 33,000 घंटे में, 32,500 यूनिट बनी है 33,000 घंटे में, पर स्टैंडर्ड कहता है कि एक यूनिट तो एक घंटे में बन जानी चाहिए थी। इसका मतलब अगर आपको 32,500 यूनिट ही बनानी थी तो आपको टाइम भी 32,500 घंटे का ही लेना चाहिए था। क्या यह बात सही है? एक घंटे का खर्चा कितना होना चाहिए था, देखिए बजटेड डिटेल्स में लिखा होगा 1.5 पर आवर। तो ये हो गया रुपीस 48750। इसे आप लिखिए FO1 में। ओके, आपने लिखा 48750 FO2। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। एक्चुअल आवर्स की इंफॉर्मेशन एक्चुअल डिटेल से पिक करिए, कितने एक्चुअल आवर्स हैं, 33,000 आवर्स।
एज पर बजट एक घंटे का खर्चा होना चाहिए था ₹1.50। कितना अमाउंट हो गया फिर से बताइए? 49,500। दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। आपने 33,000 घंटे काम किया है, हम जानते हैं एक घंटे में एक यूनिट बन जानी चाहिए थी, तैंतीस हजार घंटे में पॉसिबली 33,000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। एक यूनिट का खर्चा ₹1.50 होना चाहिए था, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 49,500। 49,500 FO2 है, ओके FO3 यानी पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स। हमने अभी अभी इसका फार्मूला पढ़ा है, पॉसिबल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। ओके ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, पॉसिबल आउटपुट। पॉसिबल आउटपुट का भी तो हमने फार्मूला पढ़ा था, पॉसिबल आउटपुट का फार्मूला क्या था? एक्चुअल डेज मल्टीप्लाइड विथ बजटेड आउटपुट पर डे। एक्चुअल डेज कितने हैं? 26। एक्चुअल डेज कितने हैं? 26। किससे मल्टीप्लाई करना है? बजटेड आउटपुट पर डे। बजट ये था कि हम यूनिट बनाएंगे 30,000, बजट ये था कि हम काम करेंगे 25 दिन, क्या ये बात सही? बजट ये था कि 25 दिन काम करेंगे, 30,000 यूनिट बनाएंगे, बजट के हिसाब से एक दिन में इतनी यूनिट बननी चाहिए थी। आपने 26 दिन काम किया, अरे 26 दिन ही काम करना था तो कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? 31,200। क्या ये बात सही? जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो यही है ना, आपने 26 दिन काम किया, अरे 26 दिन ही काम करना था तो आपको कितनी यूनिट बना लेनी चाहिए थी, और एक यूनिट का खर्चा कितना होना चाहिए था ये तो हम पहले लिख चुके हैं, 1.5 पर यूनिट। तो क्या आंसर आ गया? 46,800। दूसरा फार्मूला, पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर।
हाँ जी, क्या लिखा आपने? पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, पॉसिबल आवर्स। असल में आपने 26 दिन काम किया, बजट यह बनाया गया था कि आप 25 दिन काम करेंगे, बजट यह भी बनाया गया था कि 25 दिनों में आप 30,000 घंटे काम करेंगे, ठीक बात है? 26 दिन ही काम करना था तो कितने घंटे आपको काम करना चाहिए था? 31,200 आवर्स। एक घंटे का खर्चा होना चाहिए था 1.5 पर आवर, मल्टीप्लाई करके आ गया 46,800। को आप FO3 में रिकॉर्ड करें। ठीक है ना? हां जी। अब वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और ये एक्सप्लेनेशन अब हम आखिरी बार लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन और भी बड़े हुए हैं, पर बार बार हर क्वेश्चन में थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा। आपका भी इतना वैल्यूएबल टाइम है तो आपका टाइम ऐसे खराब थोड़ी कर सकता। लिखिएगा, पहला वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू, पहला वेरियंस लिखिए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फार्मूला है FO1 माइनस FO5। FO1 है 48750, FO5 है 50,000। ओके, 1250 एडवर्स, आपने लिखा रुपीज 1250 एडवर्स। नीचे लिखेगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में लिखेगा We have actually produced 32,500 units by spending rupees 50,000। Statement valid है? हमने 32,500 unit बनाई हैं, 50,000 रुपए खर्च करके, फुल स्टॉप। हाउएवर द रिकवरी रेट एस्टेब्लिश्ड एट द बिगनिंग, द रिकवरी रेट एस्टेब्लिश्ड एट द बिगनिंग वॉज रुपीस 1.5 पर यूनिट। फुल स्टॉप। हेंस वी आर एबल टू रिकवर, वी आर एबल टू रिकवर टोटल अमाउंट ऑफ रुपीस 48,750। वी आर एबल टू रिकवर टोटल अमाउंट ऑफ रुपीस 48,750 फ्रॉम द कस्टमर। क्या ये बात सही है? हमने कस्टमर से रिकवरी कितनी करी है? 32,500 यूनिट पर, एक यूनिट पर 1.5 रुपए के हिसाब से 48,750 रुपए रिकवरी है, 48,750, खुद का खर्चा 50,000। तो लिखेगा देयरफोर इट रिप्रेजेंट्स अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स
it represents under recovery of fixed overheads to the extent of rupees 1250 हो गया पहला वेरियंस, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन हम पहले भी 3-4 बार लिख चुके, ये हमको समझ में आ रहा है। दूसरा वेरियंस लिखेगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस इज इक्वल टू FO4 माइनस FO5। FO4 45,000, FO5 50,000, डिफरेंस हो गया रुपीज 5,000 एडवर्स। इसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है फिक्स्ड ओवरहेड तो फिक्स्ड होता है, ये बदलना ही नहीं चाहिए था लेकिन ये बदल गया। बताओ ये कितना बदल गया, बस इसी को कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरियंस। लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, एज पर बजट फिक्स्ड ओवरहेड शुड हैव बीन, एज पर बजट फिक्स्ड ओवरहेड शुड हैव बीन रुपीस 45,000, whereas actually it has become rupees 50,000. Actually it has become rupees 50,000. Full stop. Hence it represents unfavorable position to the extent of rupees 5,000. Variance number 3, fixed overhead volume variance is equal to FO1 minus FO4. FO1 में से FO4 माइनस करें, 48,750 में से 45,000 माइनस करें, 3,750 फेवरेबल। एक्सप्लेनेशन, देखिए आपको 30,000 यूनिट बनानी चाहिए थी, कितनी बनाई, कितनी है 32,500, कितनी यूनिट ज्यादा बनाई है 2,500 यूनिट ज्यादा बनाओगे तो फेवरेबल ही होगा ना, एक यूनिट 1.5 रुपए, 2,500 यूनिट ज्यादा, 2,500 यूनिट ज्यादा, एक यूनिट 1.5 रुपए, कितना फायदा हो गया 3,750 रुपए। देखो FO4 की कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, ये है ना FO4, ये रहा 45,000, 30,000 यूनिट बननी चाहिए थी, एक एक यूनिट पर 1.5 रुपए खर्च होने चाहिए थे, यही है ना FO4। अब FO1 देखो 32,500 यूनिट बनी है, एक यूनिट पर 1.5 रुपए खर्च होने चाहिए थे, क्या आपको लगता नहीं 1.5 रुपए दोनों में कॉमन है, तो 1.5 रुपए पर बात मत करो। वो कहता है यूनिट बनी है 32,500, ये कहता है यूनिट बननी चाहिए थी 30,000, 2,500 यूनिट ज्यादा बनी, एक यूनिट पर 1.5 रुपए का खर्चा होता है, इसका मतलब हमको फायदा हो गया है 3,750 रुपए का। लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, एज पर बजट
एज पर बजट 30,000 यूनिट्स शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड एज पर बजट 30,000 यूनिट्स शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड वेयर एज एक्चुअली 32,500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड फुल स्टॉप हेंस 2,500 यूनिट्स आर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड एंड इट रिप्रेजेंट्स फेवरेबल पोजिशन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 3,750. कैसे आया ये ब्रैकेट में लिखिएगा 2,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद रुपीज 1.5 पर यूनिट. ओके, अगला वेरिएंस नंबर 4, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. फॉर्मूला लगाइएगा FO1 माइनस FO2 48750 माइनस 49,500 750 एडवर्स. हां जी, इस कैलकुलेशन को देखिएगा. ये FO1 है ना, ये FO2 है, और मैं कह रहा हूं FO1 में से FO2 माइनस कर देते हैं. दोनों में 1.5 पर आवर है ना, तो 1.5 पर आवर को छोड़ो. 33,000 घंटे काम किया गया है. इतने घंटे काम करके यूनिट कितनी बनी? 32,500. अच्छा, 32,500 यूनिट बनाने में 33,000 घंटे लगने नहीं चाहिए थे, 32,500 घंटे लगने चाहिए थे. तो जो काम 32,500 घंटे में होना चाहिए था वो 33,000 घंटे में हुआ. 500 घंटे ज्यादा लगे, बुरी बात. एक घंटे का खर्चा 1.5 रुपए, बुरी बात. रुपयों में कितनी हुई? 750. लिखिए इस बात को. थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड 32,500 यूनिट्स शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन 32,500 आवर्स. वेयर एज 33,000 आवर्स आर एक्चुअली वर्कड. वेयर एज 33,000 आवर्स आर एक्चुअली वर्कड. ओके, हेंस 500 आवर्स आर एक्स्ट्रा टेकन. 500 आवर्स आर एक्स्ट्रा टेकन एंड इट रिप्रेजेंट्स अनफेवरेबल पोजिशन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 750, 750 रुपए.
ब्रैकेट्स में लिखेगा 500 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ रुपेस 1.5 पर आवर. ओके, वेरिएंस नंबर 5, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. कैपेसिटी वेरिएंस FO2 माइनस FO3. FO2 में से FO3 माइनस करिए, 2700 फेवरेबल. ये FO2 है ना, और ये FO3 है ना. छब्बीस दिनों में 31,200 घंटे काम होना चाहिए था. क्या ये बात सही? 26 दिनों में 33,000 घंटे काम हुआ है. 26 दिनों में काम हो गया 33,000 घंटे, होना चाहिए था 31,200 घंटे. आपने क्या 1800 घंटे ज्यादा काम किया है? एक घंटे का रेट 1.50 रुपए, फायदा कितना हो गया? 2700 रुपए का. लिखो, एक्चुअली 26 डेज आर वर्कड. एंड इन 26 डेज, कॉमा 31,200 आवर्स शुड हैव बीन वर्कड. एंड इन 26 डेज 31,200 आवर्स शुड हैव बीन वर्कड. सही बात है ना? असल में 26 दिन काम हुआ और 26 दिनों में 31,200 घंटे काम हो जाना चाहिए था, फुल स्टॉप. हाउ एवर, कॉमा 33,000 आवर्स आर एक्चुअली वर्कड ड्यूरिंग 26 डेज, फुल स्टॉप. देयरफोर 1,800 आवर्स आर एक्स्ट्रा वर्कड एंड इट रिप्रेजेंट्स फेवरेबल पोजीशन. इट रिप्रेजेंट्स फेवरेबल पोजीशन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2700. ब्रैकेट्स में लिखेगा 1800 आवर्स मल्टीप्लाइड विद रुपीज 1.5 पर आवर. आखिरी वेरियंस, इसी का इंतजार था. फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस FO3 माइनस FO4. FO3 में से FO4 माइनस करिए, 1,800 रुपए फेवरेबल. कैलेंडर वेरिएंस का मतलब जी, अब हम डेज के बारे में बात करेंगे. ध्यान से सुनेगा क्योंकि आप इसी का ही एक्सप्लेनेशन असल में समझना चाहते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप पहले से जानते थे. बजट यह था कि हम 45,000 पे खर्च करेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड समझने का सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल रेंट. बजट यह था
45,000 का रेंट देंगे, कितना महीने का। वैसे महीने के दिन कितने होते हैं, लेकिन आपका इरादा क्या है कि आप महीने में कितने दिन दुकान खोलना चाहते हैं, 25 है ना। आप पूरे 30 दिन दुकान नहीं खोलना चाहते ना भाई, आपने सोचा कि संडे की छुट्टी करेंगे, तो ये तय हो गया 45,000 का किराया देंगे, 25 दिन दुकान खोले, मतलब ऐसे ही तय हो गया। बताएंगे एक दिन का किराया आपको कितना पड़ जाता है, हालांकि आप एक दिन का किराया कितना देते हो आप इसे 30 से डिवाइड करना चाहोगे, पर मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एक दिन का किराया कितना पड़ जाता है। जवाब है 1800 रुपए। क्या ये बात सही भाई, 45,000 का किराया देते हैं, 25 दिन दुकान खोलेंगे, तो एक दिन का किराया कितना पड़ गया 1800। ये बस कहने के लिए, ये सारी बातें बस कहने के लिए होती। आपने इस महीने कितने दिन दुकान खोली, 26 दिन, एक दिन ज्यादा। जब आपने एक दिन दुकान ज्यादा खोली होगी तो बताइए उस एक दिन का आपने कितना किराया एडिशनली दिया होगा। आप कहोगे तो सवाल ही गलत है, हम क्यों किराया देंगे भला, किराया तो 45,000 है। तो आप ये कहिए ना, एक दिन दुकान फालतू खोली और उसका कोई किराया नहीं दिया। अरे दिनों का किराया कौन देता है, वो तो महीने का किराया था। अच्छा वो दूसरी बात है, पर एक दिन दुकान फालतू खुली है भाई, हो सकता है दिवाली की वजह से आपने स्टॉल लगा लिया होगा, इस बार संडे की छुट्टी आपने कैंसिल कर दी होगी। स्टूडेंट्स की छुट्टियां होती हैं दिवाली में, बाकियों की छुट्टियां थोड़ी होती, सही बात है ना। तो जो एक दिन के लिए आपने दुकान फालतू खोली, आपने उसका कोई किराया किसी को दिया ही नहीं, तो कितना किराया बच गया, 1800 रुपए का जी किराया बच गया हमारा। बिना किराया दिए हमने दुकान खोल ली। आप ये कह सकते हो जी ये तो बड़ी हवा में बातें चल रही, ऐसे थोड़ी होता है। देखो जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो फिर यही है ना, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या, ऐसा ना होता वैसा होता तो कैसा होता। और पूरे चैप्टर में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, आप यहां नहीं होते, आप वहां होते तो क्या होता, वहां आप क्या कर सकते थे, यहां आप क्या कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिस्कस किया जा रहा है। अगर मैं इन लाइन्स पर बात ना करूं तो और क्या पढ़ाऊं फिर मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, यही तो है हिसाब किताब, यही है हमारा। अब जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, मान लो आपका महीने का किराया 45,000 है, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, और आपने सोचा कि 30 दिन तो मैं पढ़ नहीं सकता हूं, 30 दिन पढ़ना सही बात भी नहीं है, वो सेहत के लिए खराब है, चलो 25 दिन तो पढ़ूंगा, तो बताओ एक दिन का किराया कितना हो गया, 1800 हुआ कि नहीं हुआ। अब किसी महीने क्या हुआ कि ना आप थोड़े बीमार थे, इसलिए आप एक दिन ज्यादा पढ़ गए, मतलब ऐसा हो गया। अब उस एक दिन ज्यादा पढ़ने का किराया कितना बच गया, बिना किराया देनी पढ़ाई कर लिया आपने, क्या लैंडलॉर्ड आपके सर पे आके खड़ा हो गया, हाँ भाई आजकल बड़ी पढ़ाइयां चल रही, क्या बात है भाई, इस महीने मैंने सुना है आपने 26 दिन इस कमरे में बिताए हैं, तो एक दिन जो आपने एक्स्ट्रा बिताया है उसका रेंट देना होगा, ये कैसे हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब आपने खर्चा अपना बचाया है, ये बात कितनी भी अनरीजनेबल क्यों ना हो पर जी वेरियंस का मतलब तो समझ में आता है कि नहीं। हमने कोई ठेका नहीं रखा कि सारी लॉजिकल बातें ही करते रहेंगे और सारी रीजनेबल बातें ही करते रहेंगे, कभी कभी कोई अनरीजनेबल बात भी तो हमको कहनी चाहिए ना। तो लिखिए एक्सप्लेनेशन, लिखिए एज पर बजट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीस 45,000, एज पर बजट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीस 45,000 शुड हैव बीन इनकर्ड
should have been incurred and 25 days should have been worked. 25 days should have been worked. Okay? Hence, budgeted expenditure per day is rupees 1800. Budgeted expenditure per day is rupees 1800. Kaise aaya? 45,000 divided by 25 days. Okay? तो एक दिन का खर्चा 1800 रुपए होना चाहिए था. फुल स्टॉप. आगे लिखिएगा. एक्चुअली 26 डेज आर वर्कड एंड इट मींस दैट one day is extra worked. Full stop. Hence, expenditure is saved to the extent of rupees 1800. Representing one day expenditure. मेरी तरफ से कोशिश यही है कि जितने सिंपल टर्म्स में हो सके मैं आपको इनके एक्सप्लेनेशन समझा सकूं. खैर, सभी वेरियंसेस, सभी एक्सप्लेनेशंस हम समझने में, समझाने में कामयाब हुए हैं. खैर, ब्रेक पर जाने से पहले, कल जो मैंने आपको फिल्म के बारे में बात बताई थी उसको अब मैं फाइनली बताने जा रहा हूं. हमने सिनेमा हॉल को बुक कर लिया है. अच्छा, फिल्म का नाम क्या है? तलाश. स्पेलिंग ठीक है? ओके. December 2, 12 noon to 3 p.m. Sunday. डिलाइट सिनेमा हॉल आईटीओ के पास है. आईटीओ से जो सड़क दरियागंज की तरफ जाती है, आसफ अली रोड जहां दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है उसके साथ ही. हमने जो सिनेमा हॉल ये बुक कराया है, इसमें हमने जो नीचे का हॉल है वो बुक कराया है. बालकनी की हमने कोई सीट बुक नहीं कराई है. हमारे पास टोटल 500 सीटें हैं. उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड करा है. 200 सीट और 100 सीट. ये 200 सीटें ये जो सुबह के हमारे मेरे फेस टू फेस के बैचेस हैं, दो बैचेस हैं, दोनों में 500 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, उनमें हमने 200 सीटें देनी है. और जो ये हमारा शाम का बैच है इसमें से हमने टोटल 100 सीट्स को देना तय करा. यहां पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं और दिल्ली में जितने भी सैटेलाइट सेंटर के स्टूडेंट्स, अब जो मारा मारी है सो है, हमारे पास इससे ज्यादा सीट्स आई नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते. मैं आपको कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन समझाना चाहूंगा.
फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में आपको बताना चाहता। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो आया है वो है 50,000 रुपए जो हमने इस सिनेमा हॉल को बुक कराया। हमने फैसला ये लिया है कि इसे 50-50 की शेयरिंग पर करा जाए, यानी 25,000 रुपए की पेमेंट मैं अपनी जेब से करना चाहूंगा। हालांकि हम 50,000 की पेमेंट कर चुके हैं, पर तय यह हुआ है कि 25,000 रुपए मैं पे करूंगा, बाकी 25,000 रुपए स्टूडेंट पे करें। जो 500 सीटें हैं, हर एक स्टूडेंट से हम चार्ज करेंगे 50 रुपए। अगर 500 सीट्स हैं, हर एक से 50 रुपए चार्ज करे जाए तो कितने हुए बताइए? 25,000। तो ऑलरेडी हम लोग 50,000 खर्च कर चुके हैं, तो स्टूडेंट से हमने कितनी रिकवरी करनी है? 25,000 रुपए। बाकी 25,000 का खर्चा वो हमारी तरफ से रहेगा 50-50 शेयरिंग पर। 75 आप लोग देना चाहेंगे। 50 रुपए आप जानते हैं कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक्चुअली इस ऑप्शन को पूरी तरह फ्री करना वो ज्यादा अनरीजनेबल बात है। देखिए, जितने भी हमारे सैटेलाइट सेंटर के स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर वाले स्टूडेंट तो शायद इसमें नहीं आ सकते, तो जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको यही कहूंगा कि अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप हमारे लक्ष्मी नगर सेंटर को कॉन्टेक्ट करिए, उन्हीं के पास इसकी टिकट अवेलेबल है, वही आपको टिकट दे सकते हैं। आप जहां जिस सेंटर पर हैं वहां पर आपको टिकट अवेलेबल नहीं होगी। हां, यहां जो पटेल नगर सेंटर पर स्टूडेंट्स हैं जो यहां फेस टू फेस में हैं और सैटेलाइट में भी हैं, उनके लिए यहां भी टिकट्स का अरेंजमेंट करा गया है। इसमें से सिर्फ 50 सीटें, सिर्फ 50 टिकट हमारे पास हैं जो पटेल नगर के स्टूडेंट्स के लिए हमने रिजर्व करी। एक तरीके का फॉर्म होगा वो जो आपको भरना है, उसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा, एक हमारे पास रहेगा। वो एक तरीके से टिकट का काम करेगा, वो आप अपने पास रखेंगे, उस पर आपको एंट्री दी जाएगी और आप जो मर्जी सीट पर वहां बैठ सकते हैं। सीट को लेकर कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, जो जहां मर्जी बैठे, जो पहले आएगा अपनी पसंद की सीट पर बैठेगा। तो पटेल नगर के जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक काम कर सकते हैं, हमने यहां सिर्फ टिकट्स रखवाई हैं 50, जो स्टूडेंट जाना चाहे वो अभी फॉर्म ले सकते हैं बाहर से, लेकिन आपको भरकर देना है क्लास खत्म होने के बाद, और ये सिर्फ आज ही के लिए है, ये ऑप्शन कल तक नहीं रहेगा। मैं आपको ये बता चुका हूं, ये जो पहला वाला बैच है, ये जिसकी 200 सीटें हमने अलॉट करी हैं, आज सुबह जब हमने ये बात कही थी तो इसको भरने में सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगा, ये खत्म हो चुका है। दूसरा वाला बैच टीटीएस वाला बैच है, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, 585 स्टूडेंट उसमें हैं, वो तो यहां टूट पड़ेंगे इसके ऊपर। सिर्फ आपके लिए ये ऑप्शन है, और पटेल नगर के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ हम अभी बताए भी नहीं, आप पटेल नगर के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सिर्फ 50 सीटें हैं, बार फॉर्म है, ले लीजिएगा क्लास के। वो कैसे दिखाया जा सकता है? ये ज्यादा अच्छा पड़ेगा, वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। वो तो टीवी पे देखेंगे। ओके, लिसन प्लीज। तो हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में कैलेंडर वेरिएंसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया। हमारे पास अभी दो क्वेश्चन और हैं। यस प्लीज, हमारे पास अभी दो क्वेश्चन और हैं जिनको कैलेंडर वेरिएंस से रिलेटेड कहा जा सकता है, पर वो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो रिविजनरी क्वेश्चन। यस प्लीज, पेज नंबर 9.14 पर आइएगा। प्लीज कम टू पेज नंबर 9.14।
और देखिएगा क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन है 14 और 15 पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 9.14 क्वेश्चन नंबर 15 हां जी पेज नंबर 9.14 रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 15 ओके द फॉलोइंग डेटा हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ए यूनिट फॉर कंप्यूटिंग वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरियंसेस फॉर ए पीरियड नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज 25 तो आपको क्वेश्चन में डेज की इंफॉर्मेशन गिवन है ये इस बात का एविडेंस हो गया कि कैलेंडर वेरिएंस का एग्जिस्टेंस हो सकता है बजटेड मैन आवर्स पर डे आउटपुट बजटेड पर मैन आवर इन यूनिट्स फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 27 एक्चुअल मैन आवर्स पर डे 6300 एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स 0.9 एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इनकर्ड 1,56,000 कैलकुलेट वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस तो आप एक काम करिएगा आप ये पांचों कॉलम से बनाइए पहले FO1 ओके FO2 इनपुट एब्सॉर्ब्ड पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स FO3 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स FO4 और लास्ट में है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ओके दिस इज FO5 FO1 FO2 FO3 FO4 और लास्ट में FO5 ठीक है अब क्वेश्चन एक जगह कहता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड और वो कितना गिवन है 1,50,000 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना गिवन है 1,56,000 आपने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखा आपने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखा बाकी सब हम पता करेंगे बाकी सब पता करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको सोचनी होंगी पहली बात बजटेड आवर्स क्या यह क्वेश्चन में लिखा है कि एज पर बजट आपको 25 दिन काम करना चाहिए था क्या यह भी क्वेश्चन में लिखा है कि एक दिन में 6000 घंटे काम करवा लेना चाहिए था हालांकि एक दिन में एक वर्कर तो 6000 घंटे काम नहीं कर सकता पर आपके पास बड़े सारे वर्कर्स होंगे मान लीजिए आपके पास 1000 वर्कर हर एक वर्कर से 6 घंटे काम करवाया जाए तो 6000 घंटे तो हो ही गए खैर 25 दिनों में सभी वर्कर से कितने घंटे काम करवा लेना चाहिए था 1,50,000 आवर्स ठीक है ना तो आपने सबसे पहले क्या बताया एज पर बजट 1.5 लाख घंटे काम होना चाहिए था यस फिर आप लिखिएगा बजटेड आउटपुट अगर
डेढ़ लाख घंटे काम होना चाहिए था और एक यूनिट एक घंटे में बन जानी चाहिए थी, यह भी क्वेश्चन में लिखा ना। तो एज पर बजट आपको कितनी यूनिट बनवा लेनी चाहिए थी? 150,000। ठीक बात है, ये आपने मुझे बजटेड डिटेल्स बता दी, कितने घंटे काम होना चाहिए था और कितना आउटपुट बनवाना चाहिए था। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल में कितने दिन काम हुआ है? 27 डेज। एक्चुअल में एक एक दिन में कितने घंटे काम हुआ है? 6,300 आवर्स पर डे। एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है? कितना हो गए? ओके, 1,70,100 आवर्स। ये आपने एक्चुअल आवर्स बताया। अब आप मुझे बताएंगे एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल में 1,70,100 घंटे काम हुआ है, यह बात तो सही है। एज पर बजट एक घंटे में एक यूनिट बन जानी चाहिए थी, पर क्या मुझे बता सकते हैं एक्चुअल में एक घंटे में कितनी यूनिट बनी? बताइए, 0.9 यूनिट पर आवर। क्या ये बात सही है? तो एक्चुअल में आपने आउटपुट कितना बनाया है? 153,090 यूनिट्स। तो आपने बताया बजटेड आवर्स, बजटेड आउटपुट। आपने बताया एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आउटपुट। क्या ये बात सही है? अब ये जब सारी बातें आपने पता कर ली हैं, तो अब आइए बात को फिर आगे बढ़ाते, FO1 पता करते हैं। FO1 का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 153,090 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट आपने लिखा, किससे मल्टीप्लाई करना है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट से। ओके, एज पर बजट 1.5 लाख रुपए खर्च होने चाहिए थे, एज पर बजट 1.5 लाख खर्च होने चाहिए थे, एज पर बजट 1.5 लाख यूनिट बननी चाहिए थी। एज पर बजट एक यूनिट का खर्चा 1 रुपए होना चाहिए था, आपने एक्चुअल में इतनी यूनिट बनाई हैं, इतनी ही यूनिट बनानी थी, तो कितना खर्चा होना चाहिए था? 153,090। आइए इसको हम FO1 में लिखें। FO2 का फॉर्मूला लिखेगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर।
एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 170,100 मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, पर आवर एज पर बजट 1.5 लाख रुपए खर्च होने चाहिए थे, एज पर बजट 1.5 लाख घंटे काम होना चाहिए था, एज पर बजट 1 घंटे का खर्चा 1 रुपए होना चाहिए था। अब आप मल्टीप्लाई करिए 170,100, इसे आप लिखिए FO2 में, FO3 यानी पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा, पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, ओके आपने क्या लिखा, पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। पॉसिबल आवर्स कैसे कैलकुलेट होता है, पॉसिबल आवर्स कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल डेज कितना है 27 मल्टीप्लाइड विद व्हाट, एक्चुअल डेज मल्टीप्लाइड विद बजटेड आवर्स पर डे। आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पॉसिबल आवर्स, एक्चुअल डेज मल्टीप्लाइड विद बजटेड आवर्स पर डे, एज पर बजट 1 दिन में 6000 घंटे काम होना चाहिए था, अगर आपको 27 दिन ही काम करना था तो आपको कितने घंटे काम करना चाहिए था, कितना आ गया 162,000 आवर्स। ठीक है ना, आपने असल में 27 दिन काम किया है, अरे अगर 27 दिन ही काम करना था तो आपको कितने घंटे काम करना चाहिए था, 162,000 आवर्स और एज पर बजट 1 घंटे का खर्चा होना चाहिए था 1 रुपया, तो ये कितना हो गया रुपीस 162,000। ये आप यहां पर लिखे, चले आइए वेरिएंसेस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू FO1 माइनस FO5। चलिए आप FO1 में से FO5 माइनस करें, आंसर कितना है 2910 एडवर्स। ओके फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिस विल बी FO4 माइनस FO5। FO4 में से FO5 माइनस करिए, ₹6,000 एडवर्स। ओके फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस FO1 माइनस FO4 3090 फेवरेबल।
3090 फेवरेबल. नेक्स्ट आप कैलकुलेट करिएगा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेगा एफओ वन माइनस एफओ टू. क्या आंसर है? 17010 एडवर्स. आपने कहा 17010 एडवर्स. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एफओ टू माइनस एफओ थ्री. आपका आंसर है 8100 फेवरेबल. 8100 फेवरेबल. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस दिस विल बी एफओ थ्री माइनस एफओ फोर. रुपीज 12000 फेवरेबल. देखिए एक और क्वेश्चन है जिसमें कैलेंडर वेरिएंस की कैलकुलेशन है, वो है रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 14. जब हम अगली क्लास शुरू करेंगे 15 मिनट पहले, तो मैं ये रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 14 ही करवाना चाहूंगा. तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, आप इसको तब तक अटेम्प्ट कर लीजिएगा. अगली क्लास जब हम 15 मिनट पहले शुरू करेंगे तो उसमें हम रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 14 ही करेंगे. अब आप मेन क्वेश्चंस में वापस आ जाइए और आप आइएगा पेज नंबर 9.7 पर. प्लीज कम टू पेज नंबर 9.7 और हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 32. प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 32. हां जी, केपीआर लिमिटेड ऑपरेट्स ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन ए सिंगल कॉस्ट सेंटर. द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए प्रोडक्ट इज एज अंडर. आपके सामने स्टैंडर्ड डिटेल्स गिवन है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, प्रॉफिट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, सारी डिटेल्स आपके सामने है. परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2009 225,000 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ रुपीज 4.50 पर केजी. प्रोडक्शन एंड सेल्स रिकॉर्ड फॉर द मंथ शोड द फॉलोइंग एक्चुअल रिजल्ट्स. मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड रिक्वायर्ड नंबर वन, सेल्स रिक्वायर्ड नंबर वन. कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ मटेरियल. नंबर टू, कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस एंड टोटल वेरिएंस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड. नंबर थ्री, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर जून 2009 शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट. लिखेगा नंबर वन, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. हाँ जी, तो आप मुझे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखकर बताइए कि किस प्राइस पर रॉ मटेरियल खरीदा जाना चाहिए था. 4.20.
ओके, आपने एक्चुअल में किस प्राइस पर मटेरियल खरीदा है? 4.5. आपने एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम किया है? एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम किया है? 2,05,600 किलोग्राम्स. आपको कितना इनपुट कंज्यूम करना चाहिए था? आपने आउटपुट कितना बना है? 40,000 यूनिट. अगर आउटपुट है 40,000 यूनिट और एक यूनिट को बनाने में 5 किलो इनपुट कंज्यूम होना चाहिए था, 40,000 यूनिट्स को बनाने में इनपुट कंज्यूम होना चाहिए था 2,00,000 किलो. ठीक है, पहला वेरिएंस कैलकुलेट करें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4. चले, आप M1 में से M4 माइनस करिए. आपने बताया रुपीस 85,200 एडवर्स, ठीक बात है. फिर आप बताइए डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दिस विल बी M3 माइनस M4. सिक्स वन सिक्स एट जीरो एडवर्स. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दिस विल बी M1 माइनस M3. टू थ्री फाइव टू जीरो एडवर्स. हाँ जी, आइए हम क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़िए, वो क्या कहते हैं? आप कैलकुलेट करें लेबर वेरिएंसेस, हेडिंग डालिएगा कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस. कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस. हाँ जी, फिर से स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखें, बताइए वर्कर को किस रेट पर पेमेंट होनी चाहिए थी? एट रेट ऑफ रुपीस 3 पर आवर. ओके, एट रेट ऑफ रुपीस 3 पर आवर. अब आप एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे डायरेक्टली बताना चाहे तो भी चल जाएगा. ये 387840 क्या है? ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट ही है ना, तो डायरेक्टली लिख ले 387840.
840. डायरेक्टली लिख के बात खत्म कर दें तो हमने L4 मेरा मतलब है एक्चुअल लेबर कॉस्ट का अमाउंट डायरेक्टली लिख लिया, लेकिन आपको एक्चुअल आवर्स बताने तो पड़ेंगे. एक्चुअल आवर्स हैं कितने? 121,200 आवर्स. हां, SHAO कैलकुलेट किया जाए, यूनिट्स असल में बनाई गई हैं 40,000 और हमें मालूम है एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे का टाइम लिया जाना चाहिए था. एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे का टाइम लिया जाना चाहिए था तो 40,000 यूनिट को बनाने में 120,000 घंटे का टाइम लिया जाना चाहिए था. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L4 बताइए. L1 में से L4 माइनस करा जाए तो क्या आएगा? 27840 एडवर्स. डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस दिस विल बी L3 माइनस L4 24240 एडवर्स. डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3 ओके 3600 एडवर्स. हां जी, क्या आपने क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट को पूरी तरह डील कर लिया है? क्या बच गया? अच्छा, दोबारा बोली, मैं इसका क्या मतलब निकालूं? क्या वो आपसे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस पूछ रहे हैं? क्या वो आपसे सारे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस पूछ रहे हैं कि जिसमें वो 4-5 कॉलम बनाने पड़ते हैं? मतलब एग्जैक्टली बताइए कि क्वेश्चन मुझसे क्या चाहता है. क्या क्वेश्चन ने यह कहा कि सारे फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करें? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं कह रहे. वो आपसे कह रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस बताओ कितना, जिसको आप कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. उन्होंने आपसे सिर्फ एक वेरिएंस पूछा. आप देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट टोटल वेरिएंस फॉर फिक्स्ड ओवरहेड. उन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक वेरिएंस आपसे पूछा, तो वो एक वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आप नीचे लिखिएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, बस एक वेरिएंस ही तो कैलकुलेट करना है. जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है उसके हिसाब से होता है FO1 माइनस. FO1 का मतलब होता है आउटपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और इसमें से क्या माइनस होना चाहिए? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. अगर इस फॉर्मूले को डील कर लिया जाए तो समझ लीजिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट हो गया. ओके, आउटपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसका खुद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ. एक्चुअल आउटपुट कितना है? 40,000 यूनिट्स. हां जी, एक्चुअल आउटपुट आपने लिखा 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद व्हाट? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट. क्वेश्चन में ढूंढिए पर यूनिट कितना लिखा हुआ है. क्वेश्चन में ढूंढिए पर यूनिट कितना लिखा है? 3.6. और वो 1.2 क्या लिखा है? वो पर आवर है, पर हम तो आपसे पर यूनिट पूछ रहे हैं और पर यूनिट 3.6 है.
हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये है आउटपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। आप इसमें से माइनस करिएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1 लाख। आप मुझे दोनों का डिफरेंस बताएं, 44,000 फेवरेबल। आइए क्वेश्चन की थर्ड लास्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हां जी, क्वेश्चन कहता है कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए और ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि आप एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाइए, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, यही क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है। ओके, इसमें आप क्या करिएगा, आप पहले लिखिएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट। हालांकि पूछा गया है एक्चुअल प्रॉफिट, पर आप लिखिएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी लिखा है, एक यूनिट से प्रॉफिट कमाना चाहिए था 8.40 रुपए। यूनिट आपने बेची है 40,000, 40,000 तो आपको कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था, दोबारा से कहीं, 3,36,000। ऑब्वियसली आपने ये प्रॉफिट कमाया नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो गई जिन्होंने आपको ये प्रॉफिट कमाने दिया नहीं। कुछ उल्टी सीधी बातें तो होती रहती है ना, कुछ उल्टी और कुछ सीधी। उल्टी बातें तो दो ही, एक तो मटेरियल डिपार्टमेंट ने हमको तंग किया और दूसरा लेबर डिपार्टमेंट ने हमको तंग किया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल डिपार्टमेंट ने अपनी हद को पार किया है, ऐसा हुआ ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने कितना कैलकुलेट किया था, 85,200 एडवर्स। क्या बढ़ी हुई कॉस्ट घटे हुए प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार हो सकती, ठीक है, जितनी मटेरियल डिपार्टमेंट की कॉस्ट बढ़ गई होगी उतना प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा, ऑब्वियस रीजन है। हम जानना चाहते हैं लेबर डिपार्टमेंट में कॉस्ट वेरिएंस कितना हुआ, लेबर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट वेरिएंस है 27,840 एडवर्स। आपने बताया 27,840 एडवर्स, बढ़ी हुई कॉस्ट है घटे हुए प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होगी। और बताइए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना है। आप समझ रहे हैं कि जो एडवर्स है उसे माइनस करना है, जो फेवरेबल है उसे प्लस करना है। टू डबल सिक्स 960, आसान काम था हमारे लिए काफी। फिर पेज नंबर 9.8 पर आइएगा, यहां दो क्वेश्चन हैं और यही दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 34 है और क्वेश्चन नंबर 35।
बाकी तो सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, ए फर्म हैज बजटेड सेल्स ऑफ 20,000 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड एट प्राइस ऑफ रुपीज 10 एंड 30,000 यूनिट्स ऑफ वाई एट प्राइस ऑफ रुपीज 6 पर यूनिट। एक्चुअल सेल्स फॉर द पीरियड वर 35,000 यूनिट्स ऑफ एक्स एट रुपीज 9 एंड 25,000 यूनिट्स ऑफ वाई एट रुपीज 8 पर यूनिट। कैलकुलेट सेल्स वेरियंसेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रॉफिट वेरियंसेस। तो इसका मतलब अब ये दो वेरियंसेस अभी हमारे बचे हैं, सेल्स वेरियंसेस और प्रॉफिट वेरियंसेस। मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा, आपके सिलेबस में वैसे सेल्स और प्रॉफिट वेरियंसेस नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन आ जाता। सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं वो, बाद में कहते हो सॉरी गलती हो गई जी, पता नहीं था असल में हमको, पर एक बार पेपर आ गया तो आ गया, बाद में सॉरी बोलने से क्या होता। लेकिन इंस्टीट्यूट जानबूझ के क्या करता है, सेल्स प्रॉफिट वेरियंसेस में जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बड़े प्रीलिमिनरी पर होता। तो अगर स्टूडेंट सिर्फ इसकी प्रीलिमिनरी नॉलेज लेकर चला जाए तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। हालांकि शुरू में तय किया गया कि कॉस्ट वेरियंसेस पढ़ाए जाएं पीसीसी आईपीसीसी लेवल पर और सेल्स और प्रॉफिट वेरियंसेस पढ़ाए जाएं फाइनल लेवल पर, लेकिन फिर भी सिंपल क्वेश्चन हमारे लेवल में पूछे जाते हैं, तो भाई पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, डिटेल में भले ही ना पढ़े पर पढ़ना पड़ेगा। अगर डिटेल में पढ़ना तो क्या करें, हां फाइनल की कॉस्टिंग की किताबों में है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि फाइनल की कॉस्टिंग की किताब आजकल में खरीद लेंगे आप, आपको जी हम तो डिटेल में पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ना है तो चलो आज ही पढ़ लेते, ऐसा तो नहीं करोगे ना। इसलिए बता रहा हूं सेल्स और प्रॉफिट वेरियंसेस बस यही दो क्वेश्चन करने हैं। हमें मालूम है ना कि पेपर किस हिसाब से बनाया जाएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद बस उतना आपको बताया जा रहा है कि जिससे आपका गुजारा होता हो, ठीक बात है ना। चलिए हेडिंग डालेगा हाउ टू कंप्यूट सेल्स वेरियंसेस, हाउ टू कंप्यूट सेल्स वेरियंसेस। देखिए जो सबसे बड़ा वेरिएंस है उसे हम कहते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। इसके करे जाते हैं दो हिस्से, एक सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरियंस का मतलब आपने प्रोडक्ट महंगा बेचा होगा, जरूर सेल बढ़ गई होगी, सस्ता बेचा होगा सेल कम हो गई होगी। तो आइए महंगे और सस्ते बेचने को पढ़ें सेल्स प्राइस वेरियंस की मदद से। दूसरे वेरियंस का नाम है सेल्स वॉल्यूम वेरियंस। हो सकता है वॉल्यूम ज्यादा हो गया होगा तो सेल बढ़ गई होगी, वॉल्यूम कम हो गया होगा तो सेल कम हो गई होगी। आप जानते हैं सेल बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं, एक महंगा सस्ता बेचना, दूसरा कम ज्यादा बेचना, दो कारण हो सकते हैं। अच्छा, जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसके भी दो हिस्से होते हैं, एक है सेल्स मिक्स वेरियंस, यानी जरूर ऐसी भी कोई कंपनी होगी जो एक प्रोडक्ट नहीं
एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचती होगी, और जब वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं तो उन्होंने शुरू में सोचा होगा इस रेशो में बेचेंगे, पर बेच देते हैं वो दूसरी रेशो में। यानी बेचते समय जो रेशो में गड़बड़ हुई है उसकी वजह से जो शेयर ऊपर नीचे हो गई है उसे सेल्स मिक्स वेरियंस में पढ़ा जाना चाहिए। और लास्ट में है सेल्स क्वांटिटी वेरियंस। सेल्स क्वांटिटी वेरियंस का मतलब क्या हो सकता है कि देखिए मिक्सचर की प्रॉब्लम को सेपरेटली डिस्कस करिए। अगर मिक्सचर को बहस का मुद्दा ना बनाया जाए, रेशो में हुई गड़बड़ पर डिस्कशन ना किया जाए, दूसरा मैटर भी तो डिस्कस करने लायक है कि नहीं, आपने ज्यादा बेचा, आइए उसको भी तो डिस्कस करें। मुझे मालूम है जब वॉल्यूम डिस्कस होता है तो दोनों बातें डिस्कस हो जाती, ज्यादा कम बेचना भी डिस्कस हो जाता है और बेचते समय जो रेशो की गड़बड़ होती है वो भी डिस्कस हो जाता है। वॉल्यूम तो दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट है ना, लेकिन रेशो को अलग डिस्कस करें और क्वांटिटी को अलग डिस्कस करें, इसलिए इसका नाम सेल्स क्वांटिटी वेरियंस, इसका नाम सेल्स मिक्स वेरियंस। मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि ये सब क्या है, ये तो मटेरियल वेरियंसेस के कंसेप्ट को ही कॉपी किया गया है। खैर, इन्हें कैलकुलेट करने का प्रोसीजर समझ लें। आप बताएंगे कि कितने कॉलम बनाने पड़ सकते हैं। ठीक, पहला कॉलम है बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद बजटेड क्वांटिटी। दिस इज एस वन। ओके, चूंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसकी एब्रीविएशन आप यूज करें, ये रेकमेंडेड नहीं। एब्रीविएशन आप यूज करें, ये रेकमेंडेड नहीं। सेकेंड कॉलम है लिसन प्लीज, सेकेंड कॉलम बनाइएगा बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड विथ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस इज एस टू। थर्ड कॉलम कौन सा होना चाहिए, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल क्वांटिटी। और फोर्थ कॉलम कौन सा होना चाहिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल क्वांटिटी। एस फोर। अब वेरियंसेस कैलकुलेट करने का प्रोसीजर, सबसे बड़ा वेरिएंस है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, हां एकदम सही कहा, एस फोर माइनस एस वन। फॉर्मूला उल्टा क्यों हो गया, सोच बदल गई भाई, सोच बदल गई। पहले हम लोग कहा करते थे अरे खर्चा 100 रुपए होना चाहिए था, हो गया 90 रुपए, बहुत अच्छी बात, खर्चा कम हो गया, खर्चे का कम होना हमें अच्छा ही लगा करता था। पर क्या है कि सेलिंग प्राइस का कम होना हमें अच्छा नहीं लगेगा, कम क्वांटिटी बेचना भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी।
आप पहले 100 माइनस 90 क्या करते थे, ठीक था कॉस्ट में, ये लॉजिक ठीक है, पर सेल और प्रॉफिट में आपको अपना लॉजिक उल्टा करना पड़ेगा। कॉस्ट का ज्यादा होना बुरी बात है, पर सेल का ज्यादा होना अच्छी बात है, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा, सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए, S4 माइनस S3। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला S4 माइनस S3। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला S3 माइनस S1। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला S3 माइनस S2, और S2 में से S1 माइनस करा जाए तो क्वांटिटी वेरिएंस। सारे वेरिएंसेस वही, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, ठीक बात है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 एक बार फिर से पढ़ ले, आइए क्वेश्चन नंबर 34 फिर से पढ़ लेते हैं। ए फर्म हैज बजटेड सेल्स ऑफ 20,000 यूनिट्स ऑफ एक्स एट रुपीज 10 पर यूनिट एंड 30,000 यूनिट्स ऑफ वाई एट रुपीज 6 पर यूनिट। एक्चुअल सेल्स 35,000 यूनिट्स ऑफ एक्स एट रुपीज 9, 25,000 यूनिट्स ऑफ वाई एट रुपीज 8। कैलकुलेट सेल्स वेरियंसेस। चलिए बनाइए चारों कॉलम्स। बनाइए चारों कॉलम्स। प्रोडक्ट्स के नाम है एक्स और वाई। हां जी, आप बताइएगा बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीस 10 एंड रुपीस 6, ओके okay, आपने बताया बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 10 एंड रुपीज 6। अब आप बताइएगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट 9 एंड 8। एज पर बजट आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए थी, 20,000 और 30,000। ठीक है, एक्चुअल में आपने कितनी क्वांटिटी बेची है, 35,000 और 25,000। इसे आप S3 में भी रिकॉर्ड करें। अब आप लिखिएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, चलिए एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल बताइएगा।
एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 60,000 यूनिट्स। आपने एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल बताया 60,000 यूनिट्स। बजटेड रेशो एज पर बजट जो क्वांटिटी बेची गई है उसकी रेशो होनी चाहिए थी 2:3। तो बताइए एक्स की क्वांटिटी 24,000 यूनिट्स। बताइए वाई की क्वांटिटी 36,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट्स एंड 36,000 यूनिट्स। हाँ जी, कैलकुलेशन तो आप सारी कर ही लेंगे, वो कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ा वेरिएंस सेल्स वैल्यू वेरिएंस। आप सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेगा S4 - S1 और इसे आप x और y के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस दिस इज इक्वल टू S4 - S3। इसे भी आप एक्स और वाई के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दिस इज S3 - S1। सेल्स मिक्स वेरिएंस दिस इज इक्वल टू S3 - S2। ओके, और लास्ट वेरिएंस कौन सा होगा? सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड दैट विल बी S2 - S1। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस दैट विल बी S2 - S1। ओके, वेरिएंसेस हो गए कैलकुलेट। सेल्स वेरिएंसेस में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत सेल्स वेरिएंसेस में होनी भी नहीं चाहिए। जब आप फाइनल लेवल पर जाएंगे तब जो भी इसमें दिक्कतें होती हैं तभी देख लीजिएगा, अभी तो जी हमें कुछ करना है नहीं। हमारा तो सिर्फ कॉस्ट वेरिएंसेस पर ध्यान होना चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंसेस के तो बस हमने एक एक क्वेश्चन करने हैं और बात को खत्म करना है। हां जी, आप ये वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेंगे, बात खत्म करी जाए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? प्रॉफिट वेरिएंसेस कैलकुलेट करे जाए। ओके, पर पहले हमें उनको पढ़ना भी तो पड़ेगा, तो हेडिंग डालेगा लास्ट में। हेडिंग है हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट वेरिएंसेस। हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट वेरिएंसेस। प्रॉफिट वेरिएंसेस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है मार्जिन वेरिएंसेस। ये बात तो आप मानते हैं ना कि कोई प्रॉफिट को मार्जिन भी कह सकता है। प्रॉफिट कहिए मार्जिन कहिए एक ही बात है।
how to compute profit variances or margin variances. जो सबसे बड़ा वेरियंस है उसका नाम है प्रॉफिट वैल्यू वेरियंस. प्रॉफिट वैल्यू वेरियंस इसके करिएगा दो हिस्से. एक है प्रॉफिट प्राइस वेरियंस. दूसरा हिस्सा है प्रॉफिट वॉल्यूम वेरियंस. प्रॉफिट वैल्यू वेरियंस, प्राइस वेरियंस और वॉल्यूम वेरियंस. वॉल्यूम वेरियंस के दो हिस्से करिएगा प्रॉफिट मिक्स वेरियंस और लास्ट में है प्रॉफिट क्वांटिटी वेरियंस. हमने कोई नाम भी नहीं बदला, नाम भी सारे वही के वही, वैल्यू प्राइस वॉल्यूम मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस. अब इन्हें कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी सेम ही होगा, वही चार कॉलम बनाने होंगे और क्या. पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर. हाँ जी, वही चार कॉलम्स हैं. पहला कॉलम है बजटेड मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद बजटेड क्वांटिटी. बजटेड मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. बजटेड मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी. और लास्ट में है एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी. ओके, ये चार कॉलम्स हैं, उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं जिस पैटर्न पर सेल्स वेरिएंसेस थे. अगर हम P4 में से P1 माइनस करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस. प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस P4 माइनस P1. अगर हम P4 में से P3 माइनस करेंगे तो ये होगा प्राइस वेरिएंस. P3 में से P1 माइनस करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस. P3 में से P2 माइनस करेंगे मिक्स वेरिएंस. P2 में से P1 माइनस करेंगे क्वांटिटी वेरिएंस. सब कुछ वही. तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दिया जाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट करी जाए. मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू होगा, बजेटरी कंट्रोल. पढ़कर आइएगा उसको. चलिए आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दिया जाए. क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, प्रॉफिट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने है ना. तो एक काम करो, ये चारों कॉलम्स बना लो.
प्रॉफिट वेरियंसेस कैलकुलेट करने हैं तो चार कॉलम्स तो बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स के नाम है एक्स और वाई, हां जी। तो आगे मैटर बढ़ाए जाएं, हम सबसे पहले अब ये जानना चाहेंगे एक यूनिट को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था। पहले एक्स सेलिंग प्राइस 15 रुपए, कॉस्ट 10 रुपए, 15 रुपए में से 10 रुपए माइनस करिए, 5 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था ना, 5 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था। और वाई से प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 8 रुपए। पांच रुपए और 8 रुपए, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है पर यूनिट, आप 14 रुपए में से 10 रुपए माइनस करिए, 4 रुपए, और 9 रुपए, ठीक है ना। एक्चुअल में आपने कितनी क्वांटिटी बेची है, 1500 यूनिट और 1000 यूनिट, आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए थी, 800 यूनिट और 1200 यूनिट। अब क्या रह गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल बताइए, 1500 और 1000, 2500। बजटेड रेशियो बताइए, 2:3। एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल 2500, बजटेड रेशियो 2:3, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 यूनिट और 1500 यूनिट। ओके, अब तो ये काम हमारे लिए काफी आसान है, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल बजटेड रेशियो में। प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेगा P4 माइनस P1, प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस P4 माइनस P1, आप इसे X और Y के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए P4 माइनस P3, P4 माइनस P3। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए, P3 माइनस P1, P3 माइनस P1। प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए, P3 माइनस P2, और लास्ट में प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस, दिस विल बी P2 माइनस P1।
ठीक है। तो आज की क्लास यहां कंप्लीट करी जाए। थैंक यू।